हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। देखिए, धुंधला धुंधला आदमी जो मेरे पीछे खड़ा है वो मेरे हस्बैंड है, जो कि धुंधला धुंधला नजर आते हैं फोन में और असल जिंदगी में भी ऐसे ही धुंधले धुंधले हैं। वो अभी ऑरेंज खा रहे हैं और अपना स्किन का ग्लो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्किन उनसे ज़्यादा ब्राइट है, तो उन्हें जलन भी होती है कभी-कभी। तो अभी हम लोग वी मार्ट जाने वाले हैं, तो चलिए निकलते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए और मैं रास्ते में हूँ, और ये आगे आगे देखिए मेरे पति जा रहे हैं। और अभी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, क्योंकि अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं। और यहाँ मेरे पीछे किंडो हाउस है, और अभी हम रास्ते में हैं, आपको वी मार्ट पे मिलते हैं आप। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने वाले हैं। हमारे घर से 2-3 मिनट की दूरी पे ही है वी मार्ट, और फिर हम आपको वी मार्ट में अब सीधा मिलेंगे। तो हमारा घर जो है वो ये एयरपोर्ट के पास ही है, तो हमें जाते तो इससे हमारा दिन बन गया, क्योंकि प्लेन देखने से मेरा दिन बन जाता है। दिन भर प्लान देखते रहो ना, बैठ के यहीं पे जाते। और अभी हम लोग रोड पे आ चुके हैं, हम लोग रोड पे नहीं आ चुके हैं, मतलब ऐसा कोई ये नहीं। अब वी मार्ट हम पहुँच गए, और यहाँ मुझे मेरे गांव के एक भैया मिल गए थे, गांव के नहीं मतलब मेरे शहर के, तो मैंने उन्हें बाय कर दिया। हम लोग वी मार्ट के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे विंटर कलेक्शन लगा हुआ था बहुत सारा, चारों तरफ बस विंटर के कपड़े ही लगे हुए थे। तो फिर हमने बहुत सारे कपड़े देखे हैं विंटर के, वो दिखाते हैं। और फिर जीन्स भी थे बहुत सारे। देखिए ये विंटर कलेक्शंस वी मार्ट के। तुम्हें यहाँ आकर अपने घर जैसा नहीं फील होता है? क्यों, मुझे घर जैसा क्यों फील होगा? महीने में या 2-3 बार तो आ ही जाती हो। देखिए आदमी मुझसे जलता है, और देखिए कैसे लड़कियों के स्वेटर्स देख रहा है, शायद मेरे तुम्हारे लिए देख रहा था, शायद मेरे लिए ही खरीदने वाला था, बस पर दिखा रहा था तुमको, खरीदा नहीं इसने मेरे लिए। और फिर इधर नहीं जाते हैं, फिर मैंने कैमरा घुमा लिया और मुझे ये पसंद आया था, तो मैंने इसका प्राइस चेक किया। फिर इसने मुझे कहा भी नहीं कि ले लो ये, तुम्हें पसंद आया। तो फिर हम चले गए, फिर हम ऊपर चले गए, यहाँ बहुत सारे खाने पीने का सामान था। फिर यहाँ मेंस कलेक्शंस, यहाँ पे भी ढेर सारे स्वेटर्स के विंटर कलेक्शंस लगे हुए थे मेंस के लिए, फिर हम देखने के लिए गए। फिर यहाँ मुझे कुछ पसंद आया, तो मैंने बोला भी नहीं मुझे ये पसंद आया है। तो फिर मुझे ये वाला पसंद आया था पहले ही, और ये दूसरे तरफ देख रहे थे, फिर मैं आगे चली गई। देखिए यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स हैं, यहाँ से हम ग्रॉसरी खरीदते हैं। और फिर इधर मेंस कलेक्शन में आई हो तो मेंस का कुछ देख लो ना, मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ, क्योंकि तुम बोलोगे फिर अपने लिए देख रहे हो। हाँ तो तुम तो अपने लिए देख के खुद के लिए ले लेते हो। और यहाँ पे ढेर सारे बैटरीज भी थे। फिर हम दोबारा से चले गए वहाँ मेंस कलेक्शन की तरफ, वहाँ इन्हें ये स्वेटर पसंद आ गया था, तो ये ट्राई करके देख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था इन पे, मैं बोल नहीं रही थी। तो देखिए आप लोगों को भी पसंद आया, ये इन पे अच्छा लग रहा था, फिर इन्होंने दूसरा ट्राई किया, ये भी इन पे अच्छा लग रहा था, तो मुझे दोनों अच्छे लग रहे थे इन पे। तो फिर ये बार बार पूछ रहे थे कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ, तो फिर इसे इन्हें दिखाने के लिए मिरर के पास गए, तो इन्हें दोनों पसंद आ गए थे। फिर हमने कुछ और ड्रेसेस देखे, शर्ट्स देखे इनके लिए, बस खुद के लिए। यहाँ लड़कियाँ शॉपिंग करती है, और यहाँ मेरे हस्बैंड का ही शॉपिंग ख़त्म नहीं होता। देखिए वो तो कलेक्शन से पता चल ही जाएगा सबको। देखिए फिर मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पे ध्यान नहीं देता इसलिए मुझे फिर मैं पकड़ी गई खुद के लिए कुछ देखते देखते
तो मुझे ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक स्वेटर लेके गई थी मैंने यहाँ से। फिर मैंने यहाँ से कुछ देखा, अच्छे कलेक्शंस थे, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो फिर हम वहाँ से चले गए, तब तक ये बिल बनाने के लिए गए, इन्हें वो। फिर मैं इधर उधर देख रही थी कुछ खुद के लिए, फिर मुझे ये पसंद आया था, पर इन्होंने मुझे बोला भी नहीं कि ले लो। मेरा मन तो था मैंने लेने बोला का, था वो नहीं, फिर मैंने कुछ इन्होंने खुद मना का जल्दी नहीं जल्दी बिल बनवा लिया। और फिर मैं दोबारा दिखने के लिए चली गई इससे छिप छिप छिपते छिपा। मैं थोड़ा सा अपना फोटो भी ले लिया, एक आदमी बैठा हुआ था, मुझे देख रहा था घूर घूर के। फिर देखी कैसी बच्चा, देखी फिर हमें बच्चा मिला। फिर हम वहाँ से पेमेंट करके निकल गए। फिर गेट पे हमने बिल कहाँ गए बोलिए आप। कहाँ गए? तो पास्ता खाने का मन हो रहा था, पर जब हम गए मुझे पास्ता खाने का मन हो रहा था, तो हम वहाँ बिरसा चौक, डीमार्ट से थोड़ी सी आगे में ही बिरसा चौक है। फिर मुझे लगा कि हम लोग बाइक लेके आए, पर हम लोग पैदल आए थे। तो फिर मैं बाइक ढूंढ रही थी अपना, पर ये बोले कि बाइक तो लेके नहीं आए हैं। फिर हम लोग पैदल पैदल बिरसा चौक चले गए। देखिए बिरसा चौक है, और यहाँ पे हमने क्या खाया, हमने चाउमीन चाउमीन ऑर्डर किया था हमने, चिल्ली पैक चिकन करवाया चाउमीन और चिल्ली चिकन घर के लिए। तो हमने पैक करा लिया, और फिर हम लोग वापस चले। तो फिर हम वहाँ से घर की ओर आने लगे, और फिर हम रास्ते में आ रहे। तो रास्ते में आते आते वो जो सामने वाला बाउंड्री एरिया दिख रहा है, वो एयरपोर्ट का है। और हमें मिल गया एक घोड़ा गाड़ी, और ये घोड़ा बहुत सुंदर सजा हुआ था। और ये जो बाउंड्री है, ये एयरपोर्ट का था। फिर हम अपने गली में आ गए, और फिर घर पहुंच गए। तो गाइस, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।